अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नेम है स्मोकी कबाब कढ़ाई। तो आज हम इस रेसिपी को बनाएंगे बहुत डिफरेंट स्टाइल में एंड बहुत ही अमेजिंग टेस्ट में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी करें एंड वीडियो को फुल एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ये देखें, ये बहुत ही मज़े का बना है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है ये कीमा। अब हम मसाले देख लेते हैं। मसाले में मैंने पहले लिया है धनिया और जीरा पाउडर, इसको आप ग्राइंड करके धनिया जीरा पाउडर एंड 1 टेबलस्पून ऑफ कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ऑफ अजवाइन, 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला एंड 2 टेबलस्पून ऑफ अनारदाना, ये ऑप्शनल है, एंड 1 टीस्पून ऑफ लाल मिर्च एंड 1 टीस्पून ऑफ पिंक सॉल्ट, आप वाइट सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, एंड 1 टेबलस्पून ऑफ टिक्का मसाला, ये ऑप्शनल है, एंड 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी, 1 टेबल स्पून ऑफ कसूरी मेथी, एंड ये मैंने ली है 2-3 ग्रीन चिली एंड 3-4 रेड चिली, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। एंड ये ली है 2 स्लाइसेस मैंने अदरक के, एंड ये लिया है मैंने धनिया, एंड ये लिए हैं 2 प्याज, इनको ऐसे काट लिया है, 1 अंडा लिया है, 2 टेबल स्पून ऑफ अदरक लहसुन का पेस्ट। सो हमारे इंग्रेडिएंट्स ये डन हैं, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ले लिया है एक चॉपर, उसमें मैंने ऐड कर दिया है कीमा। अब हम उसमें ऐड करेंगे अपने मसाले। अब हम ऐड करेंगे लहसुन पेस्ट, देन अब हम ऐड करेंगे अदरक, सब्ज मिर्चे, देन अब हम ऐड करेंगे धनिया और प्याज। ये अंडे को हमने प्याली में तोड़ लिया, अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडा, अब ऐड करेंगे कसूरी मेथी, रेडी हो गया था। देन ये देखिए, मैंने इस तरह से कबाब बना लिए हैं। आपने पहले हाथों को ग्रीस कर लेना है ऑयल से, देन आपको जो शेप अच्छी लगती हो, जो आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने इस शेप के कबाब बना लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए यहाँ पे एक पैन, देन अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, देन अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे 2 मिनट के लिए। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने कबाब, ऐड करते जाएंगे। हमने अपनी आग को दम वाला रखना है, बहुत कम आग रखनी है, हमने इसको गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। अब हमारी फ्लेम जो है वो दम वाली है, अब हम इसको 8 से 10 मिनट दम वाली फ्लेम पे पकाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। बाद मैंने इनको टर्न कर लिया था ताकि ये दोनों साइड से अच्छे तरीके से पक जाए। अब देखेंगे ये गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं, बहुत प्यारे, ये रेडी हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं एंड अपनी ग्रेवी रेडी करते हैं। सो मसाला बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हम वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है एक स्मॉल साइज प्याज, उसको ऐसे काट लिया है, 1 टेबलस्पून ऑफ लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 टमाटर की प्यूरी बना ली है एंड 1 टीस्पून ऑफ साबुत सूखा धनिया एंड 1 रेड चिली, एंड मसाले में 1 टीस्पून ऑफ
रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 teaspoon ऑफ पिंक सॉल्ट, आप वाइट सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, 1 teaspoon ऑफ हल्दी पाउडर, एंड ये है साबुत गर्म मसाले, जीरा, साबुत गर्म मसाला, इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, एंड यहाँ मैंने लिया है एक स्मॉल बाउल दही का। सो अब हमारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, अब हम इसका मसाला बनाते हैं। ऑयल ले लिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 tablespoon ऑफ ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत गर्म मसाले, इसको हम अच्छी तरह ऑयल के साथ सोते कर लेंगे। देन अब हम ऐड करेंगे प्याज, एक से दो मिनट हो गए प्याज को। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया, साबुत और सबज मिर्च, सॉरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से ऑयल के साथ भून लेंगे 1 से 2 मिनट। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, देन अब हम ये मसाले ऐड कर लेंगे अपने, इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देन अब हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी, अब हम इसको 2 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे। देन अब हम इसमें ऐड करेंगे दही और इसको 5 मिनट भूनेंगे, दही का पानी को हम ड्राई करेंगे। हम इसको हाई फ्लेम पे भूनेंगे अच्छे तरीके से ताकि दही का पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तो दही का पानी देखें हमारा खुश्क हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कबाब, आपने अपनी टिक्कियों को बिल्कुल चम्मच से मिक्स नहीं करना, अगर आप किसी स्पून से मिक्स करेंगे देन आपकी टिक्कियाँ टूट जाएंगी, तो आपने इसको हिला के मिक्स करना है, आपने इसको स्पून से नहीं मिक्स करना, ऐसे हिला के मिक्स करें ताकि आपकी जो टिक्कियाँ वो ना टूटें। अब हम इसमें ऐड करेंगे सबज मिर्च, देन अब हम ऐड करेंगे लेमन जूस, एंड ऐड कर देंगे धनिया। अब हम इसको 5 से 8 मिनट के लिए दम पे रख देंगे हिला के, हम इसको फिर से हिला लेते हैं। अब हम इसको दम पे रख देंगे, पांच मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको वैसे ही हाथ की मदद से पकड़ के हिलाएंगे, आपने इसको बिल्कुल भी चम्मच के साथ नहीं हिलाना वरना आपकी टिक्कियाँ टूट जाएंगी। अब हम इसको ऐसे थोड़े थोड़े देर बाद इसको ऐसे हिलाते रहेंगे। तो 8 मिनट हो चुके हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखेंगे बहुत ही मज़े का स्मोकी कबाब कढ़ाई मसाला रेडी है। अब हम क्या करेंगे, एक प्याली रखेंगे, देन अब हम उसमें कोयले का अब हम दम देंगे इसको, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम ऐड करेंगे कोयला रख देंगे ऊपर, देन 1 to 2 drops ऑफ ऑयल, एंड 2 से 3 मिनट हम इसको रख देंगे। इस कोयले के दम से बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा हमारी हांडी में, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसे करके।
3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ये बहुत ही मज़े का बना है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना है, बहुत जायकेदार है। हमारा स्मोकी कबाब कढ़ाई देखें रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के इसको ज़रूर इंजॉय करें, एंड मुझे इस रेसिपी का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।